हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। आज का अपना चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्लास टेंथ के इस चैप्टर के अपन करेंगे प्रश्न उत्तर। तो आप देख रहे हैं कि जो पहला जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, तो ये तो हम पहले तो कर चुके हैं। और पहला प्रश्न हमने कर लिया है जूसेपे मैसिनी कर लिया, काउंट कैमिलो द कावूर कर लिया, और यूनानी स्वतंत्रता युद्ध को भी हमने देख लिया है, और हमने फ्रैंकफर्ट संसद को भी देख लिया है। राष्ट्रवादी महिलाओं संघर्षों में महिलाओं की भूमिका, तो ये पहला प्रश्न तो हम बच्चों कर लिया है। और अब ये है दूसरा प्रश्न, तो आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को और उसके उत्तर को। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच में सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए थे। सामूहिक पहचान, एक राष्ट्र की भावना पैदा करनी थी, लोगों को एकजुट करना था, सामूहिक करना था, लोगों को गठजोड़ में शामिल लाना था, तो उसके लिए क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। तो देखो बच्चों कि किसी भी राष्ट्र में जब लोगों को सामूहिकता का भाव लोगों में जगाना हो, तो कई सारे राष्ट्रीय भावना जगाने के कार्य किए जाते हैं, और फ्रांस में भी यही हुआ था। तो फ्रांसीसी लोगों के बीच में सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कई कदम उठाए। अब देखिए क्या क्या कदम उठाए। सबसे पहले तो क्या किया कि इन्होंने इसके लिए रोमांटिसिज्म का सहारा लिया। ये एक आप याद रखिएगा, रोमांटिसिज्म का इन्होंने सहारा लिया था। रोमांटिसिज्म जो है ना, वो क्या है कि रोमांटिसिज्म एक सांस्कृतिक आंदोलन था। कैसा आंदोलन था बच्चों? एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रवादी भावना का विकास करना चाहता था। क्योंकि अगर एकजुट करना इतने सारे विशाल क्षेत्र के अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग भाषा बोलने वाले प्रांत वाले लोगों को जब एकजुट करना है, तो राष्ट्रीय भावना का सहारा लिया जाता है। और राष्ट्रवादी भावना का विकास करना चाहता था, तो उसके लिए खास आंदोलन था रोमांटिसिज्म। अब देखिए रोमांटिसिज्म जो है, इसमें क्या होता था कि जो रोमांटिक कलाकार होते थे, वो सामान्यतया तर्क और विज्ञान को नेग्लेक्ट करते थे। क्योंकि अगर तर्क के आधार पर आप कोई बात कहोगे, तो फिर वो खरी नहीं उतरेगी। तो तर्क और विज्ञान को बढ़ावा देने के खिलाफ होते थे। ये तर्क पर कोई बात सीधे नहीं करना चाहते थे, ये विश्वास, ये लोगों के मन में एक ऐसे भाव पैदा कर लेना चाहते थे खाली बस, तो उसके खिलाफ थे। इसके बदले में वे क्या करते थे, भावनाओं, अंतर्ज्ञान और रहस्यों को अधिक महत्व देते थे। तो किसको महत्व नहीं देते थे? तो वो तर्क और विज्ञान को महत्व नहीं देते थे। तो किसको महत्व देते थे? तो वो भावनाओं, अंतर्ज्ञान और रहस्यों को महत्व देते, लोगों के भाव जगाते थे राष्ट्र के प्रति। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें, राष्ट्रगान हो गया, कुछ देशभक्ति कविताएं हो गई, कुछ देशभक्ति गीत हो गए, कुछ जयकारे हो गए, तो इन चीज़ों से लोगों की भावनाओं को जगाया जाता था, वो लोगों के अंतर्ज्ञान को और रहस्यों के माध्यम से ये चीज़ें करते थे। राष्ट्र के आधार के रूप में उन्होंने साझा विरासत और सांस्कृतिक धरोहर की भावना को अधिक बल दिया। क्या करने के लिए? राष्ट्र का आधार के रूप में, मतलब एक राष्ट्र का भाव जगाने के लिए उन्होंने क्या किया, साझा विरासत। साझा विरासत का मतलब यह होता है कि जिस पर किसी एक जाति, धर्म, संप्रदाय या किसी एक प्रांत का अधिकार नहीं हो, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की। वैसे तो विश्व स्तर पर भी इसे देखा जाता है, लेकिन चूंकि अभी राष्ट्रीय भावना का के ख्याल में हमें देखना है, तो साझा विरासत ऐसी विरासत जिस पर संपूर्ण देश का, देश के सभी प्रांतों का, देश के सभी राज्यों का, देश के सभी संप्रदाय धर्म को मानने वाले लोगों का अधिकार होता है, तो वो साझा विरासत होगी। और उस देश की सांस्कृतिक धरोहर, धरोहर मतलब जो हमें पीढ़ियों से जो चीज़ें हमारे राष्ट्र में जो उपलब्ध है, हमें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जो बढ़ती है, हस्तांतरित होती है, तो ऐसी ऐसी चीज़ों का भाव जो है उन्होंने जगाया था लोगों के बीच में। राष्ट्रवादी भावनाओं को बल देने में भाषा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो भाषा जो है ना, एक बहुत बड़ी एक चीज़ है जिस जो राष्ट्रीयता जगाने के लिए काम आती है, और कई बार विवाद का कारण भी बन जाती है अलग अलग अगर भाषा मानने वाले लोग हैं तो। बट फ्रांस में क्या हुआ कि फ्रांस में भाषा ने राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था।
तो इन्होंने जो है वो भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसको इन्होंने काम में लिया। लोगों में राष्ट्र की भावना को बढ़ावा देने के लिए पूरे फ्रांस में फ्रेंच भाषा को मुख्य भाषा की तरह बढ़ावा दिया। मुख्य भाषा कौन से? फ्रांसीसी भाषा। तो फ्रेंच भाषा जो है इसको इन्होंने बढ़ावा दिया कि पूरे राष्ट्र में हम एक ही भाषा बोलेंगे, राष्ट्रीय भाषा फ्रेंच भाषा। अब देखिए, पोलैंड में रूसी आधिपत्य के खिलाफ, जब रूस का आधिपत्य था पोलैंड में, तो पोलैंड में राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए क्या किया था, को उनकी जो स्थानीय भाषा थी पोलिश भाषा, उसका इस्तेमाल किया था, रूसी भाषा का नहीं, रूस के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए कि भाई अपनी ये मातृभाषा है, हमारी भाषा है। तो ये भाषा जो है वो राष्ट्रीय भावना जगाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बच्चों, ये तो था हमारा दूसरा प्रश्न। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, क्या लिखा हुआ है तीसरे प्रश्न में, कि मारियन और जर्मेनिया कौन थे, मारियन और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह इन्हें उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। तो देखिए इसका भी हम आंसर देखेंगे कि मारियन और जर्मेनिया, नाम से बच्चों स्पष्ट है ये स्त्री चित्र है, या फिर हम कहेंगे स्त्री कैरेक्टर है, स्त्री पात्रों के नाम है ना, स्त्री पात्रों के नाम है। तो स्त्री पात्रों के नाम हैं, तो इसका मतलब क्या था, क्यों ऐसे नाम दिए गए। तो देखो, फ्रेंच राष्ट्र को मारियन का नाम दिया गया था, फ्रेंच राष्ट्र को मारियन का नाम दिया गया था। मारिया एक स्त्री का प्रतीक है, जिसे एक स्त्री के रूप में चित्रित किया गया था। क्योंकि ध्यान देना, क्यों क्या कह रहा है यहाँ पे, कि क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपकों का प्रयोग किया था। नारी रूपकों का मतलब नारी के प्रतीकों का प्रयोग किया था, किस चीज़ के लिए, स्वतंत्रता, जैसे स्वतंत्रता ये एक नारी स्वरूप है, न्याय है ना, आपने न्याय में देखा होगा तराजू लेके स्त्री वो जो इस तरीके से खड़ी रहती है, गणतंत्र, तो इनको नारी स्वरूप माना गया था, इसीलिए एक नाम दिया गया था मारियन, और ये फ्रांस को चित्रित करने के लिए नाम दिया गया था। आगे लिखा है कि रूपकों का प्रयोग, फ्रांस में राष्ट्र को मैरियन का नाम दिया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि मैरियन ईसाई महिलाओं का एक लोकप्रिय नाम था, ईसाई धर्म को मानने वाली जो महिलाएं लोग जो होते हैं, ईसाई लोग जो होते हैं, उनमें स्त्रियों का एक पवित्र, एक अच्छा नाम होता है, एक फेमस नाम है। और मैरियन के चरित्र चित्रण के लिए उदारवाद और प्रजातंत्र के रूपकों का प्रयोग हुआ था, जैसे लाल टोपी, तिरंगा, कलंगी है ना, कलंगी आदि। लोगों में मैरियन की पहचान घर करने के उद्देश्य से उसकी मूर्तियां बनी और टिकटों और सिक्कों पर भी उसकी तस्वीर छापी गई थी। तो इस तरीके से एक राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए, एक पवित्र उद्देश्य से इन लोगों ने ये जो है वो मारियन का चरित्र चित्रण किया था। अब अपन देखेंगे जर्मेनिया। तो देखो, जर्मेनिया जो है ना, इसमें क्या है कि जर्मेनिया, तो बच्चों देखो, जर्मेनिया में क्या होता था कि जर्मेनिया ये भी एक नारी नाम है, तो इसमें होता था कि जर्मनी में जर्मेनिया को राष्ट्र का प्रतीक बनाया गया, जर्मनी में जैतून को बहादुरी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए जर्मेनिया के सिर पर जैतून के पत्तों का ताज पहना दिया गया था। तो ये भी स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र के प्रतीक के रूप में नारी स्वरूप को एक यहाँ पे लोगों के सामने चित्रित किया था, लोगों के सामने इसे पेश किया था, और इसे जो है वो नाम दिया था जर्मेनिया। तो बच्चों, हमने पहला प्रश्न कर लिया, दूसरा कर लिया और तीसरा कर लिया। और मैं बता दूँ कि जो पहला इसका जो फर्स्ट पार्ट था, वो अगर आपने नहीं देखा हो ना, तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जो है वो आप उस पहले वीडियो को देख लीजिएगा। ये है दूसरा वीडियो, और इसकी जो PDF है, ये जो PDF अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको क्लास 10th PDF करके लिखा हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये PDF आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से हम सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, चैप्टर वाइज जो है वो आगे लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो आप रेगुलर जो है वो हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो बच्चे भी हमारे साथ जुड़े।
रहे हैं। इसी तरीके से हम क्लास टेंथ की सामाजिक विज्ञान की चारों किताबें और अपना आपका जो हिंदी है, हिंदी का भी हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे और उसके सारे प्रश्न उत्तर भी करेंगे और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें देंगे, पेपर्स भी अवेलेबल कराएंगे। आप लगातार बोर्ड एग्जाम्स तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।